पिछले दिनों से पंजाब में फिर से वही हालात बनते जा रहे हैं जो 1984 में बने थे। अब फिर से आतंकवादी का छाया जो पंजाब पे छा रहा है। पंजाब में 8 हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई है। उसके बाद आज जो हम मांग पत्र लेकर गवर्नर साहब से मिले हैं, उसे हमने मांग की है कि ये कारण दोबारा आतंकवाद क्यों आ रहा है पंजाब में। इसका मुख्य कारण ये है कि पिछले दिन ही जिन ऑफिसरों ने पंजाब में आतंकवाद खत्म किया था, उन ऑफिसरों के ऊपर आज मुकदमे चल रहे हैं। वो जेल में बंद है या कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उन ऑफिसरों ने अपनी जान पर खेल कर आतंकवाद का सामना किया। आज उन अफसरों को जब जेल में जाना पड़ रहा है, सरकार और कोई भी एजेंसी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। आज हमने गवर्नर साहब से मांग की है कि कौन फड़ेगा उन गैंगस्टरों को, कौन आतंकवाद का मुकाबला करेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से अगर उनको पनिशमेंट मिलनी है, जेल मिलनी है, तो कौन देश के लिए लड़ेगा, कौन आम आदमी को इंसाफ दिलाएगा। आज उन लोगों को तुरंत रिहा किया जाए, गवर्नर साहब से जो हमने मांग की है, और उनको तरक्की दे के उनके जिस अहदे पर थे उनको बहाल किया जाए, क्योंकि वो देश प्रेमी है। उन्होंने हमारी जान के लिए अपनी जान जख्मों में डाल के उन लोगों के साथ मुकाबला किया। आज उनको इंसाफ दिलाने के लिए कोई भी सरकार उपराले नहीं कर रही। दूसरा, पंजाब में दिन प्रतिदिन हिंदुओं के नेताओं को मारा जा रहा है। सरकार एक ड्रामा रच रही है, बता रही है इनको पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हो पाया कि जो लोगों को मारा गया है, पहले सरकार बोलती थी कि इन लोगों ने अपने आप खुद पे हमले किए हैं, ये गनमैन चाहते हैं। अब वही DGP पंजाब की पुलिस बोल रही है कि इनके ऊपर हमले हुए थे, ये गैंगस्टरों के हमले हैं, इनको बाहर से फंडिंग हो रही है। हम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि गैंगस्टर मार रहे हैं या आतंकवाद मार रहे हैं। पुलिस कभी बोलती है ये खुद सिक्योरिटी के लिए करते हैं, कभी बोलते हैं इनके ऊपर हमले हुए हैं। ये सारी बात क्लियर की जाए। हम गवर्नर साहब से यही मांग लिया कि आप इनसे बुला के सरकार से पूछा जाए कि पंजाब के हालात क्यों इतने ख़राब हो रहे हैं और क्या हो रहा है। कभी DGP साहब CM साहब को खाने पे बुलाते हैं, कभी वो खाने अपने बोलते हैं आधा बांधे लड्डू मुड़ अपने को दे, अपनी तरीफ खुद ही कर रहे हैं। अभी तक पंजाब में दहशत का माहौल है। अगर ये माहौल सही ना हुआ, आज तो हम गवर्नर साहब के पास आए हैं, हमें यहाँ से इंसाफ ना मिला तो हम केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। सर, ग्राउंड पर क्या कर रहे हैं आप? आपने मेमोरेंडम तो दे दिया, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड में शिवसेना शुरू से धर्म के लिए, देश के लिए लड़ती आ रही है। अब भी हमने सभी हिंदू संगठनों को इकट्ठा करके 19 नवंबर को उस धर्म नगरी अमृतसर में हिंदू पंचायत का निर्माण किया, जिसमें हिंदुओं को बैठा के उनसे पूछा जाएगा कि आपको खाली वोट देने का अधिकार है अपने लिए। किस कोई भी सरकार है वो देखती है कि इनसे वोट की जरूरत है, वोट के लिए इस्तेमाल करते। हम इकट्ठे होकर सरकार के साथ संघर्ष करेंगे। ठीक है।